नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक महीने की दोनों पक्ष कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को एकादशी का व्रत किया जाता है। यह एकादशी का व्रत भगवान विष्णु व उनके अन्य स्वरूपों को समर्पित होता है। एकादशी तिथि सर्वोत्तम तिथि कही जाती है। जो भी भक्तगण साल में पड़ने वाली 24 एकादशियों का किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं, उन सभी को निर्जला एकादशी का, जो कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है, उसका बेसब्री से इंतजार रहता है। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से साल में पड़ने वाली 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। और जो भी भक्तगण साल में पड़ने वाली 24 एकादशियां करते हैं, उन सब को भी इसका बेसब्री से इंतजार होता है। क्योंकि जाने अनजाने सभी एकादशियों में कुछ न कुछ त्रुटियां होती रहती हैं। तो निर्जला एकादशी क्योंकि पूरे साल की एकादशी कवर करता है, इसके कर लेने से पूरे साल का एकादशी का पुण्य प्राप्त होता है, इसलिए सभी को इस एकादशी का बेसब्री से इंतजार रहता है। निर्जला एकादशी को और भी कई नामों से बुलाया जाता है, जैसे पांडव एकादशी, भीमसेनी एकादशी और बड़ी एकादशी। एकादशी का व्रत हम कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे सबसे उच्च स्तर का एकादशी का व्रत जो होता है, वो होता है निर्जल, अर्थात बिना जल ग्रहण किए। इसमें 24 घंटे आपको जल ग्रहण नहीं करना होता है। जैसे आज हम एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो आज के सूर्योदय से लेके अगले दिन के सूर्योदय तक हमें जल ग्रहण नहीं करना है। ये सबसे उच्च स्तर का व्रत माना जाता है, जिसको निर्जल व्रत कहा जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा आपका जल ग्रहण करके व्रत करना। इसे आप जल पी के आप व्रत कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आपका आएगा कि आप फलाहार भी कर सकते हैं, फलों का जूस ले सकते हैं, जल तो आप ग्रहण करेंगे ही, और आप दूध भी ले सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे आएगा कि आप आलू का, सिंघाड़े का, कुट्टू के आटे का, साबुदाने का, मूँगफली मखाना, इनका कोई भी आइटम बना के, कोई भी व्यंजन बना के आप खा सकते हैं। जैसे भी आपकी शारीरिक अवस्था हो, और एकादशी में आप सेंधा नमक भी यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई भी आलू का, सिंघाड़े का, आटे का कुछ भी बना के खा रहे हैं, तो उसमें आप सेंधा नमक यूज कर सकते हैं। जैसे अभी आपकी शारीरिक अवस्था हो, जैसे भी आपकी कंडीशन हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपना एकादशी का व्रत कीजिए। लेकिन जो निर्जला एकादशी है, इसकी मान्यता यही है कि इसको आप बिना जल ग्रहण किए इसका व्रत कीजिए। लेकिन आपकी जैसी शारीरिक अवस्था हो, उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। 2023 में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी तिथि का प्रारंभ 30 मई की दोपहर में 1:07 से प्रारंभ हो रहा है, और इस एकादशी तिथि का समापन 31 मई की दोपहर 1:45 पर हो रहा है। तो उदय तिथि के आधार पर ये निर्जला एकादशी, 2023 की निर्जला एकादशी 31 मई दिन बुधवार को रखी जाएगी, और इसका प्रारंभ मुहूर्त 1 जून को सुबह 5:40 से लेके 10:10 तक है। निर्जला एकादशी के एक व्रत से हमें 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। तो जो भी भक्तगण 24 एकादशियों का व्रत करते हैं, और जो भी भक्तगण केवल यह निर्जला का एकादशी का व्रत करते हैं, हम सभी को प्रयत्न पूर्वक इस व्रत को बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी और एकादशी में भूल से हम दान पुण्य का कार्य नहीं कर पाते हैं, हम मंत्रों का जाप अच्छे से नहीं कर पाते हैं, नाम जप अच्छे से नहीं कर पाते, स्तोत्रों का पाठ अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो इस एकादशी में हम सभी को ज़्यादा से ज़्यादा एकादशी के दिन सूर्योदय के पास जब हम नहा धो के अच्छे से संकल्प लेके जब पूजा करें, तो दिन भर नाम जप करें, मंत्रों का जाप करें, स्तोत्रों का पाठ करें, निर्जला एकादशी व्रत का कथा पढ़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना भी हो सके, दान पुण्य का कार्य करें। दान पुण्य के नाम से दोस्तों घबराना नहीं चाहिए। बहुत लोगों से जब कहो कि दान कार्य करना बहुत जरूरी होता है, तो वो घबरा जाते हैं कि हम कैसे दान कार्य करेंगे। देखिए, दान कार्य आपके पास 1 रुपया है तो भी आप दान कार्य कर सकते हैं। अब उस 1 रुपये के अकॉर्डिंग दान कार्य कीजिए। जिसके पास 1 लाख है, वो अपने उसके अकॉर्डिंग दान करेगा। तो जैसी आपकी अवस्था है, जैसी आपकी सामर्थ्य है, उसके हिसाब से दान कीजिए। क्योंकि दान का जो पुण्य होता है, वो अनंत गुना होता है। जितना आप दान करते हो, ये तो कोई सोचता नहीं है कि जो दान कर रहे हैं बदले मुझे कुछ मिलेगा, लेकिन उसका रिजल्ट हमेशा आपको अच्छा मिलता है। जितना दान आप करोगे, उससे दुगुना आपको प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी व्रत में, खासतौर से ये जो निर्जला का एकादशी आप व्रत कर रहे हैं, इसमें दान कार्य अवश्य कीजिए। और दान कार्य कैसे करना चाहिए, हमेशा मौसम के हिसाब से करना चाहिए। क्योंकि ज्येष्ठ का जो महीना होता है, सबसे गर्मी का मौसम होता है, तो गर्मी की जो चीज़ें होती हैं, उनको दान कार्य करना चाहिए। जैसे दान किसको करना चाहिए, जो योग्य ब्राह्मण है उनको दान कीजिए, जो गरीब हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनको दान कीजिए। अब क्या सामान हम दान कर सकते हैं, खाने की वस्तुओं में जैसे ककड़ी है, खीरा है, खरबूजा है, तरबूज है,
आप जल है, ठंडा जल जो है उसका शरबत बना के उसका वितरण कीजिए। मतलब जो भी चीजें गर्मी में हम यूज करते हैं, बेल है, जो चीजें हम गर्मी में ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, उन सब चीजों का दान करना है। छाता का दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होता है। गमछा जो कि बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, गमछी का प्रयोग करते हैं, वो दीजिए आप। जो गरीब गरीब लोग होते हैं, चप्पल नहीं पहनते हैं, खाली पैर होते हैं, जिनकी असमर्थता नहीं होती है कि वो खरीद सके, उनको चप्पल का आप दान कीजिए। तो ये सब जो होता है बहुत ही फायदेमंद होता है। इस एकादशी में जल से भरे घड़े के ऊपर चीनी रख के दान करने का बहुत ही ज़्यादा पुण्य है। कारण यही है कि भीषण गर्मी है, तो जिसको भी आप दान करेंगे उसका आपको अनंत गुना फल मिलेगा। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि इस निर्जला एकादशी को प्रयत्न पूर्वक अच्छे से अच्छे ढंग से करना है, ताकि इस निर्जला एकादशी का पुण्य हम सभी को प्राप्त हो। भगवान विष्णु हम सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारे परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आप सभी लोगों को निर्जला एकादशी की अनंत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के संग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों और मित्रों के संग शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। मेरे चैनल पे हमेशा आप लोगों को अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती रहेंगी, इसलिए मेरे चैनल से आप सभी लोग जुड़े रहें। नमस्कार।